हेलो एवरीवन, मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा सोने अंत सौकी हाल चाल है, ठीक ठाक हो? आप बहुत प्यारे लग रहे हो। हाँ, आप भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। मेरी अम्मी है ही बहुत ज्यादा प्यारी है। तो आज की जोड़ियों लेकर आया भाई याना मीर, जो कि बहुत ज्यादा आपको पता है कि आजकल वो सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने जो है ना यूके में जाके ये बोला कि मैं मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं हूँ जो कि अपने कंट्री को छोड़ के भाग जाऊं, तो मैं एक कश्मीर की बेटी हूँ। तो आज उनकी मतलब हम इंटरव्यू देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा आरिफ साहब के साथ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, देखिए आज भी। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम हैं याना मीर जी के साथ। याना मीर जी कश्मीर की बेटी, भारत की बेटी, आजकल लंदन आई हुई हैं। आज से दो दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के ख्याल भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जो प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से काफ़ी बेबाक बातें की। तो आज याना जी ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दर्शकों को उनके ख्यालात सुनाएं। याना जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। याना जी, शुरू करते हैं पहले कश्मीर से। आप कश्मीर में रही हैं, आप कश्मीर की हैं, जरा बताइए क्या फर्क है कश्मीर आज से 10 साल पहले में और आज के? क्या फर्क है 10 साल पहले? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आजादी नहीं थी, आजादी पहले नहीं होती थी। लोगों को खुल के जीने की जो आजादी, ऐसी डर से उनको आजादी मिली है। डर, डर यानी क्या होता था, पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाए। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना पड़ जाए, भर्ती हो जाए जाकर, ड्रग्स में ना मुलव्वस हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर नफरत फैलानी है तो पहले जो है ड्रग्स का जहर यूथ के रगों में इंजेक्ट करना जरूरी है। तो ड्रग्स से जो है नफरत बढ़ती है, नफरत करने की वो जो तजस्सुस था, तो ये सब कुछ फैलाया। सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तानी, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी में। आज भी जो है बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज भी हैं, जो ड्रग्स से यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, इतने सालों से वो चल रहा था, उससे इतने जल्दी निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। सही बात। हालात कुछ ऐसे थे, लड़कियों को फ्रीडम नहीं थी, ना स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की फ्रीडम थी, ना सेल्फी लेती थी। और आज देखो, रैपिंग करते हुए आपको सड़कों पे नजर आएंगी कश्मीरी लड़कियां, स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रही हैं। टूरिज्म के हवाले से आप देखो, टूरिज्म इतना बढ़ चुका है बिकॉज लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर भाई हम सेफली घूम सकते हैं। लेकिन देखिए, पहले भी मैं आपको बता दूँ, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को हाथ छूता नहीं था, टूरिस्ट को हार्म नहीं करता था, मगर एक डर तो रहता था ना टूरिस्ट के दिल में। तो ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। इकोनॉमी अगर आप देखें, वहाँ पर पहले क्या होता था, सिर्फ हड़तालें होती थी, स्कूलें बंद होती थी, कॉलेजेस बंद होते, डर का माहौल ही रहता होती थी, दुकानें शटर डाउन होते थे, 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उनको मिलते थे पैसे। लेकिन अब सब बंद हो गया ना, इन्हें शिकंजा कस लिया है, इलीगल फंडिंग अब नहीं होती, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले या तो जेल में या मर चुके हैं। सैयद अली शाह गिलानी साहब नहीं रहे, यासीन मलिक जेल में, आसिया अंद्रा भी जेल में है। तो हमारी सोसाइटी के परपेट्रेटर्स आज जेल में हैं। आज जो हमारी सोसाइटी है तरक्की की तरफ चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। याना जी, पाकिस्तान ने अभी जैसे 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया और उसमें
दुनिया भर में पाकिस्तान एम्बेसीज ने प्रोग्राम किए, ये सब किया, और उसमें ये बताया कि भारत में कश्मीर में भारतीय फौज अत्याचार कर रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रहा है, मिसिंग पर्सन बढ़ रहे हैं और भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इससे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊँ। मतलब एक मुझे तो पहली बात हंसी आती है कि हम डिफेंड क्यों करते हैं, हम भारतीय डिफेंड ही क्यों करते हैं, क्यों हमें जरूरत है डिफेंड करने की। पूरी दुनिया ने तो देख ही लिया ना, G20 हो गया ना कश्मीर में, देख लिया, सबको पता है कि तरक्की की राह पे चल पड़ा है कश्मीर, जो आवाम है वो प्रोग्रेस कर रही है, आवाम को जॉब्स मिल रहे हैं, MSME रजिस्ट्रेशन देख के आपको समझ आएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जाहिर बात है आवाम को जॉब्स मिल रही है, एवरीथिंग इज देयर। Why should we give any explanation to these third world countries like Pakistan? मगर ये है कि हम भारतीय मिलके आवाज क्यों नहीं उठाते, हमारे जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई बहन वहां फंसे हुए POJK में, उनके लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते भाई? उनकी दुख तकलीफ को हम यूज करते हैं पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने के लिए, जा आटे की लाइन में खड़ा हो जा। अरे लेकिन वो जो POJK में जिनको आटा नहीं मिल रहा, हमारे ही लोग है ना, आवाज उठाना चाहिए हमें उनके लिए। जो इदारे है ह्यूमन राइट्स इदारे हैं दुनिया भर के जो इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, क्यों नहीं हम इंडियंस मिलके ये कहें कि POJK के लोगों के लिए हम आटा भेजेंगे, हम ट्रक्स रेडी करते हैं आटा भर के, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोलो कि बॉर्डर्स खोल दें, हम आटा भेजते हैं। हम क्यों नहीं करते ये? Why don't we do it? क्योंकि जरूरी जहां पर है वहां हमें बोलना चाहिए, वो भी अपने ही लोग हैं, अखंड भारत का हिस्सा है ना, वो अपने ही लोग हैं, वहां पे उन्हीं की नदियों में से जो इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है वो उनका। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए हफ्ते में सिर्फ एक या दो दिन उनको इलेक्ट्रिसिटी लाइट मिलती है, अगर आप घंटों के हिसाब से देखें 20-20 घंटे अगर दिन के लोड शेडिंग होते हैं होल वीक आपको कितने घंटे लाइट मिली, अगर आप 4-4-4 करके करें तो हार्डली एक या दो दिन, मतलब पूरे हफ्ते में दो दिन उनको इलेक्ट्रिसिटी होती है, बाकी दिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि उन्हीं की नदियों से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सही बात है। तो हम अच्छा ये जब हमारा 370 हटा था, इंटरनेट काटा गया था, मैं खुद भी उस मैंने खुद मुजाहरा किया था कि भाई हमें हमारा इंटरनेट वापस दे दो, ठीक है, लेकिन वो सिक्योरिटी इश्यूज के लिए कुछ साल भर के लिए किया गया था, मानते हैं, फिर उसके बाद 2G ऑन कर दिया गया। बट माई पॉइंट इज POJK में तो है ही नहीं इंटरनेट। वो कुछ वहां से मैसेज कभी तो पूरे 24 hours तक गोल घूम रहा होता है, उनका मैसेज जाता ही नहीं, वो इस तरह से जी रहे। तो हम इंडियंस हमें कौन सी पैसों की कमी है, हम क्यों नहीं बोल सकते कि हम वहां पे टावर बनाएंगे बॉर्डर पे, हम POJK वालों को इंटरनेट देंगे, फोन सर्विसेज देंगे, हम देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो उनको दे नहीं रहा है, हम क्यों नहीं आवाज उठाते? देखो यार इनको उनकी भी तकलीफ है, हमारे लोग कब तक डिफेंड करते बैठेंगे और क्यों करेंगे, क्या जरूरत है? याना जी बात तो आपने सही कही कि आफ्टर ऑल आप कश्मीर की हैं तो आपको कश्मीरियों का दर्द होगा, चाहे वो LOC के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम उनको आटा भेजें, हम उनके लिए टावर लगाएं, हम अपना POJK वापस क्यों नहीं ले लेते? इसलिए कि कश्मीरियों ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी तो इसीलिए की थी ना कि हमारे कश्मीर को बचाओ इन इन्वेडर्स से, तो हमारा कश्मीर POJK उनके कब्जे में है तो उसको वापस क्यों नहीं ले वापस ले? वापस कैसे लिया जाए आरिफ साहब, वही तो बात है, वापस कैसे लिया जाए, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द रोड मैप टू टेक इट बैक? अगर हम ऐसे ही वापस लेते तो वहाँ अपराइजिंग भी हो सकती है। देखिए जाहिर बात है वो पाकिस्तान के साथ तो खुश है नहीं, लेकिन इंडिया को लेके एक फियर उनके दिल में डाला जा चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर लंदन में POJK कम्युनिटी से मिल चुकी हूँ, UK में जो है, नॉट ओनली लंदन, कई जगहों पे जो उनकी कम्युनिटीज हैं उनसे मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मासूम लोग हैं, अनलाइक पाकिस्तानीज। इनको ये इतने इमोशनल है ना, तभी तो इनको इतनी आसानी से बरगलाया जाता है, तभी तो जो इनके जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो अनएजुकेटेड यूथ हैं, इनको बोला जाता है कि जुल्म हो रहा है मुसलमान बहू बेटियों पर, औरतों पर, उनकी सरजमी ग्रेजी हो रही है इंडिया में, ये हो रहा है, वहाँ मुसलमानों को नमाजें नहीं पढ़ने दिया जाता, कश्मीरियों को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो दूध लेने दवाइयाँ लेने बाहर नहीं जा सकते, ऐसी चीज़ें उनको बोल बोल के बरगलाया गया है ऐसे इमोशनल लोगों को।
तभी तो ये फिर टेररिस्ट बन जाते हैं, मगर जब ये इस तरफ आके देखते हैं फिर इनका माइंड चेंज हो जाता है। जब ये मुझसे मिले इनका माइंड चेंज हो गया, सचमुच इंडिया आपको कोई तकलीफ नहीं देता, इंडिया को, मैंने कहा कहाँ से, क्या आप कह रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आप आकर देखो तो सही, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, कभी आओ, कभी देखो कि कौन सा हम पर जुल्म हो रहा है, हम तो राजी खुशी जी रहे हैं इंडिया में, खास करके कश्मीर, आज की तारीख में आरिफ साहब कश्मीर सबसे शांतिपूर्ण जगह कश्मीर, सही बात है। आप पूरे इंडिया में देखो क्या वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, हल्द्वानी में क्या हो रहा है, कश्मीर इज पीसफुल, सुकून सबसे ज्यादा, मोना शांति आज कश्मीर में है। तो मतलब बोल क्या रहे हो आप लोग, कि मैं पीओजे के वालों से सवाल करती हूँ कि क्या बोल, उनको ये डर है कि इंडिया ने जबरदस्ती हम पर कब्जा किया हुआ है, ये डर उनका निकालना जरूरी है, उनको ये बताना जरूरी है कि आप हमारे लोग हो, आप, हम आपके लिए हैं, हम हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है ना, तभी तो वो खुद अंदर वहां पर अपराइजिंग करेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से तो वो है ही नाराज, लेकिन कम से कम उनको ये तो लगेगा कि इंडिया तो दोस्त है, इंडिया तो हमारा अपना है, कम तो जब वो अपराइजिंग वहां के लोग खुद करेंगे, वो खुद बगावत करने लगेंगे, तब भी तो हम वापस ले सकते हैं जी। याना जी, कश्मीरी जो यहाँ पे रहते हैं उनका तो मुझे समझ में आता है कि वो शुरू से ही पाकिस्तान हाई कमीशन से अटैच रहते हैं। मैं बेल्जियम में था जब, तो हमें भी फौरन मैसेज आ जाता था कि भाई आप दो तीन लोगों को लेके पहुँचे इंडियन एम्बेसी पे प्रोटेस्ट करना है ये वो। लेकिन आज का जो पीओजेके में रहने वाला कश्मीरी है वो पाकिस्तान से तंग है, ये लोग तो अभी भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग कश्मीरी नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अब ये ब्रिटिश हैं, इनकी तीसरी चौथी नस्ल ब्रिटिश हो गई है। वहाँ पे एक अपराइजिंग तो है अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट प्रो इंडिया बट अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन क्या हम वहाँ पे एजुकेट नहीं कर सकते? जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि भारत वो करे जो पाकिस्तान ने जेएनके में किया, पाकिस्तान तो टेररिज्म करवाता था, पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेन करता था, भेजता था, फंडिंग करता था, लेकिन हम नहीं कह रहे कि भारत वहाँ पे टेररिज्म करे, आफ्टर ऑल दैट इज़ पार्ट ऑफ भारत, लेकिन कुछ ऐसे उनकी एजुकेशन के हवाले से कि भाई देखें हम इंडिया में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई भारत को करना नहीं चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ कि उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि भारत आपका दुश्मन नहीं है और भारत को टेररिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी अननोन गनमैन हैं जो वहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं, तो उसमें भारत को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ लोग खुद ही आपस में जो हो रहा है वो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो भाई हमें ये लड़कियां जिन्होंने जाके ना यूके में बोला है कि मैं मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं हूँ, जो कि मैं डर के अपने कंट्री से भाग जाऊं, मैं एक कश्मीर की बेटी हूँ और मैं अपने कंट्री में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, उन्होंने अपने कंट्री को फखर से सर बुलंद कर दिया, अपने इंडियन इतने खुश है इस चीज से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो मतलब फूले नहीं समा रहे, इन्होंने ऐसी बात की है, क्योंकि इन्होंने हमें ये नहीं तो अपने कंट्री में बैठ के बात किया, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये बात बोली, जो कि एक बहुत ज्यादा मायने रखती है ये चीज। तो दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं और ये बोलते हैं, और इन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है कि कश्मीर के या पाकिस्तान से जो कश्मीर के लोग हैं ना वो भी आए हुए थे और उनसे मैंने बात की, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप पे तो बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं इंडिया वाले, आप तो खुश नहीं है बिल्कुल, बोलती है कि मैं खुशहाल हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप कभी आए आके देखे हम कितने ज्यादा खुश है, आपकी आंखें खुल जाएंगे कि हम कितने ज्यादा खुश है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि हर पाकिस्तानी के जहन में ना ये बात बैठा दी गई है कि जो है ना इंडिया वो कश्मीरियों पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है, इतना तशद्दुद करता है, उनको ना बोलने की कुछ इजाजत है, ना वो तो अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकते, मतलब इनका सीन कुछ ऐसा है ना। तो अपना देखे, सच्ची में मैंने खुद कश्मीर विजिट किया हुआ और मैं वहां पे कम से कम 2 से 3 दिन रही थी, तो वाकई में 20 घंटे वहां पे लाइट जाती है और 4 घंटे सिर्फ दिन में हमें लाइट आती है, आप सोचे क्या हाल होगा अगर यहाँ पे चार कारोबार कैसे होगा उनका, वही तो बात है। और उनकी नदियों से ही हमारा जो पूरा पाकिस्तान है ना पानी बनाता है, मतलब बिजली बनाता है, जिसे और उनको ही नहीं मिलती, ये जो जहाँ से जखायर निकल रहे होते हैं ना ऐसे मिलते, वहां के लोगों का हक सबसे पहला है, बाद में हक किसी और का, ऐसे ही बलोचिस्तान से ना बहुत ज्यादा जखायर निकलते हैं, तो उनको ही वो गैस नहीं दी जाती, उनको ही वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो लोग फिर बागी होके ना तो हमले आपको पता आए दिन जो करने में लगे रहते हैं, तो वो अपने हक की आजादी के लिए करते हैं कि आप हमारे साथ इतना जुल्म कर रहे हो, ना हमें कोई जॉब्स देते हो, ना हमें यहाँ पे
साफ पानी मिलता है ना, हमें यहाँ पे गैस मिलती है, और हमारे जखायर यूज कर करके हमें बेवकूफ बना रहे हो आप सब लोग। तो ये उनकी असल में लड़ाई है। और कश्मीरी हमारे बहन भाई जो सच्ची में हमारे लोग बड़ा बोलते हैं कि हमें बड़ा उनका दुख है, हमें बड़ा उनका ये है वो है, लेकिन करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, बस बोल दिया खाली दुखी। बस इनसे पूछा जाए ना आपने क्या उनके बढ़िया कुर्बानियां है, कौन सी कुर्बानियां दी है, बंदा पूछे क्या कुर्बानी दी है, कोई एक बताओ आपने उनके लिए कोई अच्छा काम। वहां पे एक हॉस्पिटल ही आपने अच्छा बड़ा हॉस्पिटल जैसे इंडिया ने एम्स हॉस्पिटल वहां पर, आप ऐसी एक मिसाल दे के बता दो जो कहोगे करने के लिए रेडी, को कुछ इन्होंने नहीं किया उनके लिए ना, कोई मतलब उनकी मतलब जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ भी नहीं उनके लिए किया, ना ही उनको कोई क्या अब मैं बोलू, सच्ची में इतना ज्यादा दुख होता है ना। और दूसरी तरफ कश्मीरी जो इंडिया में रहने वाले हैं वहां पे वो इतने ज्यादा खुशहाल है, वहां पे ट्रेनें चल रही हैं आए दिन, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट, वहां पे नौकरियां जनरेट हमें की जा रही है वहां पे ना, खुशहाली आ रही है। दुबई ना वहां पे मॉल बनाने वाला बहुत बड़ा कश्मीर के अंदर, तो आप सोचिए कि वहां पे कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितना कुछ वहां पे। तो यहाँ के लोग जब कश्मीरी वहां पे देखेंगे तो उनके दिल में नहीं आएगा कि यार यहाँ पे क्यों नहीं है, तो हम भी उनके साथ क्यों ना जाके मिल जाए, ताकि हमें भी तो कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिले। आप अब आपको कोई फैसिलिटी ना मिल रही हो, दूसरे को आपके हमसाये को मिल रही हो, तो क्या आपका मन नहीं चाहेगा कि आपको भी मिले, है दिल जलता है अंदर से इंसान का। तो यही थी याना मिर्जी की वीडियो, और ये एक प्राउड बेटी है इंडिया की, सच्ची में उन्होंने फखर करवाया है इंडिया को। तो बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू सुनकर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो।